मोमा और मैना का गांव बहुत ही सुंदर था, जहां के लोग बहुत ही खुश रहते थे। वहां के लोग अपने अपने घरों में खुशी का जीवन व्यतीत करते थे। अरे मोम, यार तू कहां घूम रहे हो? तुम तो यार, मतलब क्या क्या बतलाएं, तुम तो बहुत बिजी व्यक्ति बन गए हो। और अपने बातों से कहे तो तू तो ईद का चांद ही बन गया है। अरे यार नहीं, मैं और मैना कुछ सामान लेने बाजार गए थे। तो क्या हाल रहा बाजार का? चलो एक दिन बाजार जाकर पार्टी कराते हैं। क्या बात कह रहे हो तुम? मम्मी, हाँ हाँ बच्चों, देखो देखो मैं तुम सबों के लिए क्या लेकर आई हूँ, देखो तो सही। ओहो मम्मी, इतना कहती हूँ है कि बहुत तेज बारिश होने लगता है। देखते ही देखते इतना तेज बारिश होने लगता है कि पानी मोम और मैना के घर तक जमा होने लगता है। यह देख मैना घबरा जाती और अपने बच्चों के बारे में सोचती। थोड़ी देर बाद मैना अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पानी अपनी गति को धीमे करने के बजाय तेज करता और पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने की कोशिश करता, जिस कारण से गांव के सभी लोग सुरक्षित स्थान की खोज में निकल जाते। जाते जाते मैना को एक ऊंचाई पर आलीशान बंगला दिखाई देता है। यह देख मैना बहुत खुश हो जाती है और सोचती, काश मेरे बच्चों को यहाँ कुछ थोड़े समय के लिए आश्रय मिल जाता। वह बंगला बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देख सबकी आंखें खुली ही खुली रह गईं। वे लोग वहां सुरक्षित रहते हैं। कुछ देर बाद पानी पटा जाता है तो वे सारे लोग उस बंगले से निकलकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अपने घर जाकर नाचते गाते खुशियां मनाते परंतु ये खुशी कुछ देर के ही मेहमान होती है, क्योंकि बारिश फिर से दुगनी तेजी से होने लगती और फिर से वे लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते। फिर वे अपने ठिकाने के लिए उस आलीशान बंगले में जाते, लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। वे लोग वहां से निराश होकर
अपने छुपने के जगह को तलाश में निकल जाते हैं। जाते जाते मैना और उसके पति मोम को आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसे देख मैना झूम उठती। और पेड़ से पूछती, हे भाई साहब, क्या मैं आप पर एक अपना घोंसला बना सकती हूँ? क्यों? क्योंकि भारी बारिश होने के कारण मेरे बक्शों की जान पर बन आई है। अगर आप अनुमति दे तो एक घोंसला बनाकर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकती हूँ। लेकिन पेड़ साफ मना कर दिया, नहीं, इतना खूबसूरत हूँ, तू इस पर खरपतवार का झोपड़ी बनाएगी? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाने दूंगा, तू कोई और इंतजाम कर ले। क्या बोल रहे हो, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं, तेरा बच्चा तू जा। यह सुनकर मैना बोलती, इतनी घमंड अच्छी बात नहीं, एक दिन तेरा सारी डालियां तुझे से अलग होकर सूख जाएंगी, फिर तू कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, पहले तू यहाँ से जा तो सही। यह सुनकर मैना और वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ से पूछते, हे भाई साहब, क्या मैं आप पर एक अपना घोंसला बना सकती हूँ? क्योंकि भारी बारिश होने से मेरे बच्चे की जान पर बन आई है, घोंसला बनाकर मैं अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकती हूँ। और वो बरगद का पेड़ मैना और मोम को अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने की अनुमति दे देता है और मैना और मोम और उसका बच्चा सुरक्षित और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और आम का पेड़ की डालियां उसी आंधी और पानी में टूटकर बिखर जाती हैं, जिस कारण से उस पेड़ का कोई काम नहीं आता।